गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हिबिस्कस प्लांट है रेड कलर का। इसमें बहुत प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं और ये 26 जनवरी 2021 का है जब मैंने इसको क्यारी में रिपोर्ट किया था। तब ये विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड में रहता है, उसका रेस्टिंग टाइम होता है। तब इसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी। जैसे जैसे मौसम में थोड़ा सा गर्मी आती गई, फिर इसमें लीव्स आने लगी और खूब लीव से जब ये भर गया तो इसमें बर्ड्स भी बनने लगे। काफ़ी बर्ड्स इसमें बन चुके हैं और अब रोज़ कभी एक कभी दो फ्लावर ब्लूम करते हैं। इसकी जो सॉइल मैंने इस क्यारी में शिफ्ट की थी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मिक्स नहीं किया था। गार्डन सॉइल, रेत और काउडर, इतना ही बस मैंने इसके अंदर फिल किया था। और आधी क्यारी को मैंने किचन वेस्ट और गार्डन के सूखे हुए पत्तों से फिल कर दिया था और साइड में दफ्ती भी लगा दी थी ताकि पानी होल्ड रह सके, इसमें मॉइस्चर बना रहे। बिल्कुल टेरेस पर है, इतनी तेज़ धूप 8 से 9 घंटे इस पर लगातार पड़ती रहती है और अगर पानी भी इसमें नहीं बचेगा, मिट्टी सूख जाएगी या पानी सारा ड्रेन हो जाएगा तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, सूख जाएगा। इसलिए इस पर मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। वाटरिंग इसमें दोनों टाइम करती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। समर सीज़न का इतना बेहतरीन प्लांट है, भर भर के ब्लूमिंग भी करता है और मेडिसिनल प्लांट होने की वजह से इसकी वैल्यू भी बहुत है। ये स्किन प्रॉब्लम में, हेयर प्रॉब्लम में और डायबिटीज़ में यूज़ होता है। गुड़हल के फूल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। एक बार आप इसको अपने गार्डन में लगाइए, सालों साल आपके गार्डन में ये रहता है। मैं इस प्लांट को जब ये 1 फुट का ही होगा, ना बड थी ना फ्लावर था, तब परचेज़ किया था, वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में। और एक बहुत ही छोटे से डस्टबिन में, वेस्ट मटेरियल में इसको लगाया था जिसमें 5 या 6 इंच का स्पेस था। धीरे धीरे ये ग्रोथ करता रहा और मैं इसके पॉट को चेंज करती गई और ये 1 साल तक रहा। फिर सर्दी में ये ख़राब हो चुका था, लीव्स सब झड़ गई थी। तब मैंने ये क्यारी स्पेशली इस प्लांट को देखते हुए ही बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिट्टी आ सके और ये छोटा सा प्लांट ट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्पेस दिया और अब देखिए इस प्लांट को कितना खूबसूरत होता जा रहा है। दिन पर दिन ब्लूमिंग इसकी बढ़ती जा रही है, भर भर के फ्लावर्स आते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।